प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद रिजवान खान के अध्यक्षता में सन 2024 का तीसरा बड़ा नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय में जिले के विभिन्न बैंक प्रतिनिधि, विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी, जिले के बिजली विभाग, नगर पालिका, टेलीकॉम विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधितों से जुड़े मामले को लेकर अलग अलग खंडपीठ में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए। जज की उपस्थिति में दोनों पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामलों में सुलह कराया गया। जजों ने बड़ी सरलता से दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश देते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत सिविल न्यायालय 15 खंडपीठ, राजस्व न्यायालय 28 खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। नेशनल लोक अदालत का आयोजन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये पूरे देश भर में चलने वाली लोक अदालत है जिसमें आपसी सुलह के द्वारा मामलों का निराकरण होता है और दोनों पक्षों को इसमें राहत मिलती है, कोर्ट फीस में काफ़ी छूट मिलती है। हमारे यहाँ बैकुंठपुर मनेनगढ़ जिला मिला के टोटल जो सिविल कोर्ट्स हैं उसकी खंडपीठ 15 खंडपीठ बनाई गई है, राजस्व न्यायालयों की दोनों जिले मिला के 28 खंडपीठ बनाई गई। इस तरीके से कुल 43 खंडपीठ में आज कार्य हो रहा है लोक अदालत का, और जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों के पक्षकार जो हैं इसमें आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक मामला है जिसमें सब इंजीनियर की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसके परिजन जो है दावा प्रकरण पेश किए थे 2,36,00,000 लगभग का, जिसमें बीमा कंपनी और उनके परिजनों के बीच जो है 95,00,000 रुपये में राजीनामा में हुआ है। तो ये एक अच्छा प्रकरण है कि समय से जो है जो मृतक परिवार को राशि बीमा कंपनी द्वारा राजीनामा करने के कारण से दिया जा रहा है।